So guys, this is how I cover him when I come to the hospital with this nursing cover. He's fully packed inside, and good that he cooperates with me. So going back now, everything's fine. Hi guys, so हम लोग आए थे डुगू का रिव्यू के लिए, क्योंकि उस दिन के बाद फिर एक्चुअली उसको फीवर वगैरह तो नहीं आया, बट रिव्यू करना ज़रूरी था, इसीलिए हम लोग आज फिर हॉस्पिटल आए थे एंड इसका रिव्यू हुआ. एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट नीड एनी मोर मेडिसिन, ही इज़ ओके, ही इज़ डूइंग गुड एंड नाउ ही इज़ फीलिंग स्लीपी ऑल्सो. तो सब कुछ हो जाने के बाद अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस, और घर जाते ही द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ विल टेक बाथ, मी एंड डुगू, बिकॉज वी एंटर द हॉस्पिटल. रेस्ट सब गाड़ी में रहते हैं तो दैट्स ओके, बट हम लोग कुछ टच नहीं करेंगे. एंड द फर्स्ट थिंग इज़ विल जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड विल टेक बाथ. एंड आई शोड यू राइट हाउ आई कवर्ड हिम व्हेन आई यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल. सो द नर्सिंग कवर इज़ बिकमिंग अ मल्टी टास्किंग थिंग नाउ, बिकॉज वो कवर करने के लिए भी काम आ रहा है, स्पेशली छोटे बच्चों को, बिकॉज ये लोग अभी इतने छोटे हैं ना कि ये मास्क वगैरह पहन के रहेंगे नहीं, एंड दैट इज़ द सेफेस्ट, यू नो, बहुत कोजी सा फील करते ये लोग अंदर और अंदर रह जाते हैं, सो विच इज़ रियली नाइस. एंड दिस बेबी इज सीइंग द व्यू आउटसाइड बिकॉज इट्स बीन टू लॉन्ग दैट वी हैव कम आउट. एंड ऑब्वियसली अगर आप देख पाएंगे सब बंद है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है एंड इट्स गोइंग गुड, लाइक शॉप्स एंड ऑल भी सारे बंद है, यहाँ खुले नहीं है बिल्कुल भी. यू कैन सी द रोड, ये रोड्स बहुत बिजी रहते हैं ऐसे नॉर्मल डेज में, बिकॉज इधर बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बट अभी इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, देर इज़ नो पार्किंग, आई मीन ये ट्रैफिक का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, सब कुछ बंद है, द बस स्टैंड एंड एवरी थिंग इज़ टोटली एम्प्टी, एंड हार्डली कुछ लोग ही मिलेंगे आपको रोड्स पे, लाइक वेरी फ्यू. एंड द शॉप्स एंड ऑल यू सी इट्स क्लोज्ड, सब कुछ बंद है, नथिंग इज़ वर्किंग, सो द लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन एंड इट्स गोइंग गुड. लेट्स सी, आगे भी शायद लॉकडाउन यहाँ एक्सटेंड हो सकता है. राइट नाउ दे हैव इन्फॉर्म्ड टिल 14, एंड उसके बाद का अपडेट ये आया हुआ है कि टिल 30th करेंगे ये लोग, 31st ऑफ मे तक करेंगे. लेट्स सी उसके बाद क्या करते हैं. गाइस सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इट्स 12 नॉट 14, तो दैट इज़ व्हाट रंजन करेक्टेड मी कि अरे 14 तक नहीं है, 12 तक ही है. मैंने शायद मैंने इधर उधर पढ़ लिया कुछ, या मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी होने की वजह से प्रॉपर नहीं पढ़ती हूँ, या पढ़ती हूँ तो उसको दिमाग में नहीं रखती क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ ज़्यादा. सो या 12 तक लॉकडाउन है यहाँ पे, और उसके बाद भी एक्सटेंड करेंगे एज ऑफ नाउ, दैट इज़ व्हाट दे हैव डिसाइडेड. आई विल शो यू द ऑफिसेज, इट्स कम्प्लीटली शट डाउन फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो इधर बहुत सारे ऑफिसेज हुआ करते हैं एंड इट्स ऑल शट डाउन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, हार्डली एनीबडी सीन, लाइक फ्यू पीपल. रोड्स भी काफ़ी खाली मिलेगा आपको, अदरवाइज बैंगलोर ट्रैफिक तो यार मतलब मत ही पूछो. एंड राइट नाउ यू सी द रोड एंड एवरीथिंग इट्स ऑल शट डाउन. केआरपुरम रेलवे स्टेशन जो कि बहुत खाली है अभी फिलहाल. सो दिस इज द स्टेशन, समटाइम्स हम लोग यहाँ से भी ट्रेन पकड़ते थे. सी द स्टेशन, ओ वी हैव सीन अ ट्रेन, डिगू ट्रेन का इंजन, नॉट दैट वाज नॉट अ ट्रेन एंड दैट्स द फ्लाई ओवर टैरन. गाइस वहाँ पे मेट्रो स्टेशन, आई मीन सॉरी मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑल सब जगह पे अभी, तो पूरे सिटी को मेट्रो से कनेक्ट करने की प्लान है. सो यू नो द वर्क इज गोइंग ऑन रैपिडली. तो वापस आने के बाद हमने नहा लिया है एंड फटाफट से मैंने खाना बनाया, इसलिए मुझे और व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला, तो खाना मैं चढ़ा चुकी हूँ, बन चुका है वो ऑलमोस्ट. एंड मीनवाइल मैंने बना लिया है चाय एंड बेबीज आर वेरी वेरी नॉटी एंड इफ यू कैन सी आई हैव बेबी, बेबी गिर जाएगा बेटा वेट. तो बन गया है चाय और अब हम लोग चाय बिस्किट ले लेंगे, और मेरे आँख में पता नहीं क्या हो गया है, तो इस बेबी को भी नींद आ रही है. खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, बस सब्जी बन रही है, सो उसके बाद लंच कर लेंगे एंड सब बच्चों को सुला देंगे हम लोग. सो दैट इज़ द अभी ना शाम के टाइम में ये बैल्कनी ही सहारा है, लाइक थोड़ा सा बाहर आ जाओ और फ्रेश हवा ले लो यहाँ से तो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ यू नो ग्रीनरी देखने की तो ऑप्शन है नहीं एट दिस मोमेंट.
घर के अंदर वही दीवार वही सब कुछ सेम सेम देख के बहुत थक जाते हैं. सो थोड़ा सा शाम में आके मैं यहाँ बैल्कनी में खड़ी हो जाती हूँ, समटाइम्स चाय पीती हूँ. आज तो बहुत लेट से हमारा लंच हुआ क्योंकि हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ से आने के बाद इट वॉज़ अराउंड 2:30 हो चुका था. फिर ऑब्वियसली डुगू को सुलाना खिलाना ये सब चल रहा था, और उसके बाद मैंने फिर लंच बनाया, लंच किया, तो बहुत टाइम लग गया. एंड अभी इवनिंग होने वाली है, लाइक 6 o'clock. सो खाना की तैयारी भी साथ ही साथ चल रहा है. एंड बस यही, डुगू अभी सो रहा है, आज एक ही नैप लिया उसने, तो काफ़ी लंबा चलेगा उसका ये नैप. और चीकू अभी टीवी देख रही है. मीनवाइल मैं अभी थोड़ा सा फ्री हूँ अपने घर के कामों से, रेगुलर कामों से, तो इट्स लाइक द फैमिली टाइम वेयर आई कैन जस्ट कॉल अप माई फैमिली एंड टॉक टू देम. सो इस टाइम में मैं यही प्रेफर करती हूँ, थोड़ा बैल्कनी में रह के अगर चाय वाय पी सकूँ तो वो पी लेती हूँ, एंड सबको कॉल करना या कुछ देख लेना. बाय द वे दिस आईज इज़ लाइक हर्टिंग मी अ लॉट, आई डोंट नो यार इसका क्या रेमेडी हो सकता है. एंड समटाइम्स ना इतना इची इची सा फील होता है. इफ़ यू हैव सम रेमेडी फॉर दिस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन ट्राई. मैं बहुत परेशान हूँ कल से इसे, कल से हुआ है ये दर्द. हालांकि मुझे परसों हो रहा था बट बहुत कम था. सो कल से बहुत ज़्यादा इचीनेस लग रहा है मुझे. सो समहाउ आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस. आई नो इन अ डे और टू ये ठीक हो जाएगा, बट बहुत इच्ची इच्ची सा फील होता है यार. सो चलो फिर इवनिंग स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, थोड़ा बातें वाते करते हैं, एंड ऐसे ही हमारा शाम निकल जाता है. फिलहाल मैं किचन में हूँ और आटा लग गया, तो बन रहा है अभी मेरा डिनर. और डिनर में मैं बनाऊंगी आज आलू पनीर की सब्जी एंड रोटी, जिसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है जैसा कि मैंने आप सबको शाम में ही बताया था. तो बच्चे जैसे ही सो के उठे, उनके सबसे पहले मैंने इवनिंग स्नैक्स दे दिया. लाइक डुगू सूजी का हलवा खाता है एंड चीकू मिल्क पीती है. सो वो हो गया. एंड मैंने चाय नहीं लिया बिकॉज मुझे मन नहीं कर रहा था लेट दिन लंच करने की वजह से. सो यहाँ पनीर की सब्जी, मतलब आलू अभी यहाँ फ्राई हो रहा है. पनीर को भी मैंने यहाँ फ्राई करके रख लिया है. सो रोटी बनाने ही जा रही थी मैं, तैयारी स्टार्ट हो गया, तो मैंने सोचा चलो तब तक आप सबको अपडेट देते हैं कि क्या चल रहा है. सो डिनर बन जाए एंड उसके बाद मैं जल्दी डिनर कर लूँगी, और उसके बाद बच्चों के साथ खेलना. लाइक वो लोग खेल रहे हैं अभी फिलहाल, तो उनको थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूँगी. अगर आप सब देख पा रहे हैं बेस्ट चीकू, क्या चल रहा है आपका चीकू, क्या चल रहा है, कुछ तो बदमाशी कर रही होगी. कुछ मस्ती चल रहा है इसका अभी फिलहाल. सो डिनर बन गया एंड मैं सबसे पहले डिनर कर लूँगी. सो डिनर लेके मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे. ये है सब्ज़ी आलू पनीर की, ये दिन की दाल है, और यहाँ दो रोटियाँ. तो चलो फटाफट से डिनर करते हैं, फिर प्ले टाइम होगा हमारा. गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे एंड आई एम स्टार्टिंग माय डे विद दिस चाय बिस्किट भुजिया. सो या माय डे स्टार्टेड. बच्चे भी उठ गए हैं, टीवी का आवाज़ आप सुन पा रहे हो. जब जब ये लोग जगते हैं तो टीवी भी ऑन हो जाता है हमारे घर का. सो वही हुआ है एवरीवेयर. सो या मैं पहले ये खा लूँगी, उसके बाद आई स्टार्ट विद देयर रूटीन. सो क्योंकि मैं बहुत पहले से जगी हुई हूँ, आज थोड़ा सा वर्कआउट भी किया, आई एम फीलिंग हॉट स्टिल.
So, day started. Let's start this with a beautiful smile. So, yeah. अभी हूँ मैं किचन में और बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट. आज ब्रेकफास्ट में बन रही है ये अजवाइन और मंगरेला एंड नमक की पराठे. एंड आई हैव सम सब्जी हियर. आलू गोभी की सब्जी बनाई है मैंने, विच इज़ फ्राई कर दिया है. सो बच्चे ब्रश चीकू ब्रश कर रही है, उसके बाद चीकू करेगी अपना ब्रेकफास्ट. एंड डुगू को मैंने ऑलरेडी खिला दिया. हुआ चीकू ब्रश? अभी भी कर रही हो? ओके कंटिन्यू. चीकू का चल रहा है प्ले टाइम. कौन सा प्ले टाइम? ये क्या है तुम्हारे हाथ में वैसे? ब्लू बॉल है. कौन से कलर का? ब्लू. इट्स ब्लू, नॉट ऑरेंज एनी मोर. ओहो वेरी गुड. गाइज मैं अपना लंच करने आ गई हूँ. सो लंच के लिए द सब्जी विच आई मेड इन द मॉर्निंग, चावल एंड सम दाल. इट्स अ वेरी सिंपल लंच एंड इसके साथ फिश फ्राई होता तो मज़ा आता है. बट इट्स अ लॉकडाउन सो 10 बजे तक ही खुला रहता है. मॉर्निंग में ऐसा कुछ था 17-18. ओके 19-20. डुगू अभी सो रहा है, इस टेकिंग विद केयर. इसको भी सुलाने की ज़रूरत है. अब मुझे फटाफट से लंच करूँगी, उसके बाद इसको लंच कराऊँगी और उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी सो दैट थोड़ी देर के लिए मैं फ्री हो जाऊँ. और मीन वाइल डिनर की भी तैयारी. हाँ चीकू जब ये लोग सो रहे होते हैं करना होता है मुझे. सो दिस इज़ गोइंग ऑन. एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद इतना बिजी हो गई ना मैं घर के कामों में और फिर इन लोगों को नहलाने ये सब चल रहा था. सो मैं वो सब कैप्चर नहीं कर पाया. मेरा नंबर, फोन नंबर चाहिए आपको? नहीं मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है. अगर आप चाहते हो गिफ्ट करना तो आप पहले मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए चीकू, उसके बाद आप मेरा नंबर मांगिए. ओके. क्योंकि इस बच्ची ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है गाइस, इफ यू डोंट नो. ओके क्या आप मेरे लिए मोबाइल लेके आ रहे हो? वो मुझे आज कह रही थी चलो आज हम लोग मार्केट चलते हैं शॉपिंग करने के लिए. वो मुझे शॉपिंग कराने लेके जाने वाली है. तो मैंने बोला पैसे है तुम्हारे पास? दो पैसे दिखाओ. फिर ऐसे ऐसे करके हाथ दिखा के बोली ये देखो पैसे. मैं ये पैसे नहीं चलेंगे, असली पैसे दिखाओ, अगर है तो फिर चलेंगे शॉपिंग करने. तो बोली नहीं है. क्या हुआ, क्या लेके आ रही हो तुम? ओके उसका तो बातचीत चलती ही रहेगा, वो बंद नहीं होने वाले. चलो फिर लंच करते हैं फिर मिलते हैं. फाइनली दोनों बच्चे सो गए एंड मैं अब थोड़ी देर के लिए फ्री हो चुकी हूँ. तो इट्स माय टाइम, इन्जॉय करना है थोड़ी देर और उसके बाद फिर वापस डिनर की तैयारी में लग जाऊँगी मैं. और तब तक और छोटे मोटे काम है बीच में तो उसे भी निपटाना है. वो सब थोड़ी देर बाद होगा. इस टाइम को पूरा पूरा यूटिलाइज करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं. बिकॉज यू नो सुबह से उठ के कुछ ना कुछ लगा ही रहता है. सो या दिस इज़ व्हाट इट गोज़ ऑन. लंच भी कर लिया हम सब ने एंड सो चलिए गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. फिर मिलती हूँ आप सबसे दूसरे व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली.